Depende, né? सुमित वैस आतिफा सोनू दास संदीप विश्वास आकाश अर्सी भावना नेहा आरती ये कौन है छत्रपाल आपके नाम छत्रपाल स्टार्ट कीजिए क्लासिफिकेशन अपन वाइट टेकर क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना हाई प्रीमियम क्लासिफिकेशन सुनो बता नेचुरल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है कौन बताएगा किसी से क्लास में हाँ जी क्लास में
क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के लिए नेचुरल में अपन क्या करते हैं कि कैरेक्टर्स को ये बहुत ढेर सारे कैरेक्टर्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, आर्टिफिशियल में कुछ फ्यू कैरेक्टर्स टू नंबर कैरेक्टर्स को हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग कोई मान लो प्लांट को वो कर रहे हैं, प्लांट क्लासीफाई कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसकी लीफ देख लेंगे, लीफ के बेसिस पे कर दिए, फ्लावर का कलर क्या है, मतलब बेसिकली मॉर्फोलॉजी देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल। तो वहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजिकल या आकार की मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल या आकार की मतलब जो बाहर से हम लोग देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि तुम लंबे हो, तुम्हारी हाइट इतनी है, तुम दुबले पतले हो, कैसे हो, ये चीज़ क्या हो गया तुम्हारा मॉर्फोलॉजी हो गया, मतलब बाहर से हमको क्या दिख रहा है। कोई प्लांट है उसको हम लोग देखें तो देख, एक प्लांट को बाहर से देख के हम लोग क्या बता सकते हैं कि इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर का प्लांट है, इसमें लीव्स ग्रीन कलर की हैं, इसमें फ्लावर किस कलर के हैं, लेंथ कैसी है प्लांट की, तो उसका क्या हो जाएगा मॉर्फोलॉजी या फिर आकार की आकार उसका कैसा है, ठीक है। उस बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और सिर्फ ऐसे कुछ कैरेक्टर्स ले रहे हैं, मतलब दो तीन चार कैरेक्टर्स लेके अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं, ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। वहीं पर नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, सर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ रहे हो, मतलब बाहर से देखे तो यानी एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं जो बाहर से देख रहे हैं, और इंटरनल मतलब एनाटॉमी देख रहे हैं, उसको अपन क्या कर रहे हैं काट दे रहे हैं। कोई भी प्लांट है उसको हम लोग क्या के लिए और इसको क्रॉस सेक्शन कर दिए, क्रॉस सेक्शन करने के बाद उसको हम माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि उसके में अंदर से क्या क्या चेंजेस हैं, कैसे टिश्यू पाए जा रहे हैं, ठीक है, कैसी कौन सी सेल्स पाई जा रही हैं, स्पॉन्जी फॉर्म सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, पेलिसेड टिश्यू है, कोई ये सब चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, अगर हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के कंपेयर में हम देखें तो हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन में जो कैरेक्टर्स लेते हैं कितने लेते हैं, आर्टिफिशियल में दो ही तीन कैरेक्टर्स लेके करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम नेचुरल लेंगे तो कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब इंटरनल कैरेक्टर भी ले रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर भी ले रहे हैं, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी ले रहे हैं, फाइलोजेनेटिकल कैरेक्टर्स भी ले रहे हैं, जो विकासवादी कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हम लोग उसको सब कुछ देखते हुए हम कर रहे हैं, तो उसको हम उस टाइप की क्लासिफिकेशन क्या है नेचुरल क्लासिफिकेशन। और अगर ऐसे ही बाहर से देखा अच्छा ये पर्टिकुलर चीज़ है कैसे है, राउंडेड शेप में है, ठीक है, ब्लू कलर का है, उसमें कुछ रेड रेड डब्बा है, ये दो तीन कैरेक्टर्स हमने देख लिए और इस बेसिस पे कि अच्छा ये ग्लोब है ऐसा होगा सब ग्लोब होगा, तो ऐसे क्लासीफाई कर दिए तो हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल है। बट अगर इसको हम लोग कट करें, कट करने के बाद देखें अच्छा ये अंदर से खोखला है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, हो सकता है कुछ ग्लोब ऐसे हों जो अंदर से भरे हुए हैं, इसमें मटेरियल भरा हुआ हो, तो अंदर से काटने के बाद भी डिफरेंट किसी कैरेक्टर्स देखेंगे। यहाँ पे नेचुरल में दोनों लेंगे, बाहर वाला भी लेंगे और अंदर वाला भी लेंगे, आर्टिफिशियल में सिर्फ बाहर वाला लेंगे, ठीक, इतना क्लियर हुआ। इसी बेसिस पे ये जो हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ये कैसा क्लासिफिकेशन है, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। अब मुनेरा है, मुनेरा मुनेरा में क्या क्या आते हैं, एग्जाम्पल होता है मुनेरा के, तुम बताओ प्रोकैरियोटिक तो होते हैं, इधर कैरेक्टर हो गया ना, एग्जाम्पल पूछ रहे हैं मुनेरा का, कौन कौन प्रोकैरियोटिक होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल नहीं पता है तुम लोग को, अरे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है तो तुरंत मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया लग जाएगा,
ब्लू ग्रीन एल्गी रख देंगे। और क्या रख देंगे, आर्किबैक्टीरिया रख सकते हैं। क्राइसोफाइटा और डाइनोफ्लेजिलेट्स और किताब में क्यों देख रहे हो ऐसे, तो याद करो क्राइसोफाइट। चलो किताब में देख के बताओ, बताओ सब लोग बोलो यार तुम लोग इतने शांत क्यों हो। क्राइसोफाइटा हो गया और यूग्लिनॉइड्स हो गया, डाइनोफ्लेजिलेट्स हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। सब लोग अपने कॉपी में बार बार लिखो, एक बार लिखने सब भूल जाएगा। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज हो गया। और दूसरा उसका हेल्प करो यार, तुम लोग गलत लिख रहा है, सही लिख रहा है। कब लिखोगे, दो लोग लिखे हैं, बाकी लोग कब लिखोगे? ये रिवाइज करके आना, ये टेस्ट होता रहेगा क्लास में, ये प्रक्रिया जो है। आगे अपन का छोटा प्लांट करना है, ठीक है। प्लांट का, प्लांट को हम लोग टोटल चार क्लासिफिकेशन में बांट देते हैं। प्लांट को हम लोग टोटल चार क्लासिफिकेशन में बांटते हैं। पहला होता है एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बेंथम
एंड हुकर ने, जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने प्लांट टी को 5 भागों में डिवाइड किया था, कौन कौन सा, एल्गी, ट्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये साइंटिस्ट का नाम है बेंथम एंड हुकर। और ये क्लासिफिकेशन किस टाइप की क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में दी हुई हैं, जैसे एक और क्लासिफिकेशन है हम लोग देख सकते हैं, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, नेचुरल और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन तो देख लीजिए। इसके अलावा हम लोग कुछ और क्लासिफिकेशन के बारे में देखे हुए हैं कि हम लोग प्लांट को और कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किस किस बेसिस पे। एक तो हमने क्या किया, नेचुरल और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कर दिया, विकास के बेसिस पे, इवोल्यूशन के बेसिस पे, मतलब पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, ये होता है इवोल्यूशनरी बेसिस। मतलब हम लोग डिवीजन कैसे कर रहे हैं कि हो सकता है सबसे पहले यूनिसेलुलर आया होगा, उससे भी पहले कौन आया होगा, मतलब प्रोकैरियोटिक साइकिल, प्रोकैरियोट्स, फिर यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स आया होगा। ये धरती पे क्या क्या कैसे डेवलप हुआ होगा, तो पहले क्या डेवलप होगा, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आए होंगे, फिर उसके अर्ली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आए होंगे, फिर यूकैरियोटिक में भी स्टार्टिंग में उस पर अधिक प्रोड्यूस किया, बोल दिया, फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक आए होंगे, फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक में भी हम कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन होने लगा होगा, ऑर्गन बनने लगा होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बना होगा, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन का मेन क्या होता है, मेन एम यही होता है कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को इस कंडीशन में ला ले कि कैसे भी कंडीशन हो, इन्वायरमेंट की कैसी भी कंडीशन हो, उसमें वो सस्टेन कर पाए, रह पाए, इसलिए वो अपने आप को चेंज करता है धीरे 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 धीरे। तो सबसे पहले क्या आया, प्रोकैरियोट्स आए होंगे, फिर उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए होंगे, तो न्यूक्लियस आ गया होगा उनके अंदर, फिर उन्होंने थोड़ा चेंजेस किया होगा कि एक सिंगल सेल था, फिर एक मतलब एक के क्या कहते हैं, एक कोशिकी रहे होंगे, फिर बहु कोशिकी हुए होंगे, धीरे धीरे मल्टी सेलुलर हुए होंगे, फिर धीरे धीरे क्या होंगे, ये मिलकर टिश्यू बनाए होंगे, ऊतक बनाए होंगे, फिर टिश्यू बनने के बाद फिर क्या ऑर्गन बनाए होंगे, फिर ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनाए होंगे, फिर जाके हम लोग का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ ना। सबसे पहले ह्यूमन तो आ नहीं गए, धीरे धीरे एक सेल से स्टार्ट हुआ जर्नी, और धीरे धीरे इस तरह के अगर हम लोग क्लासिफिकेशन बांटे तो इस तरह के क्लासिफिकेशन बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग इवोल्यूशनरी बेसिस, विकासवादी परंपरा को हम लोग ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कीमो टैक्सोनॉमी। हिंदी में बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई सेल है, कोई कोशिका है, उसके अंदर कौन से केमिकल पाए जाते हैं, इस बेसिस पे प्रेजेंस ऑफ केमिकल, इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, किस बेसिस पे, जो केमिकल पाया जा रहा है उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ऐसे क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, कीमो टैक्सोनॉमी, नाम से पता चल रहा है कीमो मतलब केमिकल, टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, हम लोग उनको अलग अलग उसमें बांट रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो किस बेसिस पर कर रहे हैं, जो सेल के अंदर केमिकल पाए जा रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, तुम्हारा प्रोटीन हो गया, किस टाइप का प्रोटीन पाया जा रहा है, किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, किस तरह का न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, इस बेसिस पर अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, तो इस तरह के जो मेथड होता है क्या बोलते हैं, कीमो टैक्सोनॉमी। एक होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी,
जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है, मतलब गिनती के हिसाब से, अपन इसमें क्या करते हैं कि ये पहली बात है कि हम लोग नहीं करते, कंप्यूटर के हेल्प से होता है, बाकी तो ह्यूमन खुद कर देता है, ये भी कंप्यूटर के हेल्प से होता है। पहले कंडीशन के लिए हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई प्लांट लिए, प्लांट के सभी कैरेक्टर्स को कुछ ना कुछ हम लोग एक पॉइंट दे दिए, जैसे हम लोग बात किए कि फ्लावर हो जाए, तो फ्लावर को हम लोग बोलते हैं लीफ है, लीफ को बोलते हैं हम लोग टू। ऐसे ऐसे सारे कैरेक्टर्स को एक नंबर दे देते हैं और उस नंबर के बेसिस पे हम लोग इसकी टैक्सोनॉमी कर देते हैं किस में। अब ये हो जाएगा हमारे किसी में लीफ नहीं प्रेजेंट है या फिर लीफ प्रेजेंट है तो लीफ थिक लीफ प्रेजेंट है, इस बेसिस पे अलग अलग नंबर दे देते हैं और उस बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर देते हैं कि इसका कौन सा नंबर आएगा पर्टिकुलर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो क्या करेंगे, जैसे कुछ कैरेक्टर्स ले लेंगे, हम लोग को सारे कैरेक्टर्स देने हैं। अब हम लोग हाथ को एक नंबर वन दे दिए, हाथ को नंबर वन दे दिए, ठीक, पैर को दे दिए दो नंबर दे दिए, ठीक, दिमाग को तीन नंबर दे दिए, कान को चार नंबर दे दिए, ऐसे ऐसे सारे बॉडी पार्ट को कोई कोई एग्जैक्ट एक नंबर दे दिए हम लोग, ठीक। अब हम लोग देखेंगे किसके पास क्या नहीं है, तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो मेरे पास सब कुछ है, एक दो तीन चार पाँच है, तो मेरा क्लासिफिकेशन है 1 2 3 4 5 6। ऐसा भी कोई आदमी होगा जिसका एक कान नहीं होगा, ईयर पिना गायब होगी, उसमें जो ईयर पिना के लिए जो पॉइंट दिए वो पॉइंट हम हटा देंगे उसमें से। ऐसा हो सकता है किसी का, हो सकता है पैर नहीं है, वो फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसका पैर वाला हम क्या करेंगे हटा देंगे, ऐसे करके क्लासिफिकेशन करेंगे और वो नंबर दे देंगे। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। अरे क्या पॉइंट और कुछ है मिसिंग? शायद इतना ही था क्लासिफिकेशन। हाँ, साइट टू टैक्सोनॉमी है कुछ। नाम से क्या लगता है, साइट टू टैक्सोनॉमी नाम से कैसा लगा? टैक्सोनॉमी और साइट टू, मतलब बेसिकली ये साइट टू प्लाज्म की बात कर रहा हूँ। साइटोप्लाज्म का कैसा कैरेक्टर है, इसमें कितने हमारे क्रोमोसोम हैं, इन सब बेसिस पर अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल का, किसी एक सेल के अंदर कैसा बेसिकली स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस बेसिस पर करते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पर अगर हम लोग कर दिए क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का, तो ऐसे तो हम लोग बोल देंगे साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो स्केलेटन के बेसिस पर कर दिए, किसी में साइटो स्केलेटन प्रेजेंट है, किसी में एबसेंट है, कौन सा प्रेजेंट है कौन सा एबसेंट है, इस बेसिस पर करें, ये सब किस में साइटो टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। जैसे क्रोमोसोम क्या होता है पता है ना, क्या गुणसूत्र हिंदी बोलते हैं, क्रोमोसोम होता क्या है, एक्स वाई, एक बस दो ही क्रोमोसोम होते हैं, टोटल कितने क्रोमोसोम ह्यूमन में पाए जाते हैं, 46, 23 पेयर बोला करो, 46 सही नहीं है, हमें सब क्या बोलेंगे 46 और 23 में कोई डिफरेंस तो है नहीं, क्यों 23 पेयर बोलने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो क्लास में। जैसे 23 पेयर यानी 46 हो गया, बात तो एक ही हुई ना, तो अभी हम बोले ना कि 23 पेयर बोला करो, 23 जोड़े बोला करो, 46 मत बोला करो, ऐसा कोई तो रीज़न होगा क्यों ऐसा बोलने के लिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं ये बात नहीं थी, बात क्या, हाँ जीन्स हमेशा कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, सही। जैसे मान लो कोई जीन है, जीन किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है, जीन का काम क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है। जैसे मेरी आँखों की जो पुतली है उसका कलर काला है, तो ये किसी पर्टिकुलर जीन पे ये ट्रेट होगा इस वजह से काला है, किसी का भूरा होता है तो उस पर पर्टिकुलर जीन पे होता है। तो क्या होता है, जो भी जीन्स होती हैं हमेशा सेट में पाई जाती है, जोड़े में पाई जाती हैं, तो ऐसे होगा 23 क्रोमोसोम ऐसे लाइन से लगे होंगे, सब पे कुछ ना कुछ कैरेक्टर होंगे, मान लो जो पहले भी जिस चीज़ के कैरेक्टर होंगे वो सिमिलर जो उसके पैरल वाला होगा उस पर भी वही कैरेक्टर होगा। बस ये होता है, एक आता है तुम्हारे मदर से, दूसरा आता है फादर, मतलब एक आता है तुम्हारे मेल पेरेंट से, दूसरा आता है तुम्हारे फीमेल पेरेंट से, ठीक है। इसलिए एक सेट के फॉर्म में, मतलब मान लो ये अगर आई कलर के लिए, इस पर कोई जीन है आई कलर के लिए या फिर हाइट के लिए, ठीक है, हेयर के कलर के लिए, तो सेम इस पर भी वो होगा, पक्का होगा,
मे बी वो डिफरेंट हो सकता है कि इस पे हो सकता है ब्लैक आई कलर के लिए, इस पे हो सकता है ब्लू आई कलर के लिए, बट आई कलर के लिए होगा ये फिक्स है, इसलिए इसको हमेशा हम लोग जोड़े में रखते हैं, सेट में रखते हैं, तो इसलिए बोलते हैं 23 पेयर्स। हाँ, तो ऐसे मान लो क्रोमोसोम के बेसिस पर कर रहे हैं, तो किस सेल में कितने क्रोमोसोम है, तो हो सकता है किसी में 46 हो ह्यूमन में, कुछ में होते हैं सिर्फ हमारे 18 होते हैं, तो 9 पेयर होते हैं, कुछ में 1 पेयर होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, तो उस बेसिस पर अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किस में आ जाएगा, साइटो टैक्सोनॉमी के अंदर आएगा। तो बेसिकली हम कितने टाइप की टैक्सोनॉमी डिस्कस करें, कोई कीमो टैक्सोनॉमी पूछेगा बता लोगे ना, नाम से पता चल जा रहा है, कीमो टैक्सोनॉमी मतलब सेल के अंदर केमिकल कैसी पाई जा रही है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नंबर दे देंगे सारे कैरेक्टर्स को उस बेसिस पर हम कर देंगे, और क्या था साइटो टैक्सोनॉमी मतलब साइटोप्लाज्म में कैसे स्ट्रक्चर्स क्या क्या प्रेजेंट है उस बेसिस पे, और क्या था आपने पढ़े थे नेचुरल आर्टिफिशियल तो पता ही है सबको, और एक आधा बार मिस हो रहा है अभी जो डिस्कस किए भूल गए हम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्या होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, अभी तो बताया किस बेसिस पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी बेसिस पे, जब हम लोग विकासवादी धाराओं को ध्यान में रखते हुए अगर क्लासिफिकेशन करते हैं वर्गीकरण करते हैं तो वो क्या होता है फाइलोजेनेटिक, ठीक, इतना समझ में आ गया ना। देखो ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था, जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे, मतलब सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब लेस इवॉल्व से मोर इवॉल्व की तरफ जा रहे हैं। समझो इसका मतलब क्या होगा, जब एल्गी का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, सेल्स आपस में या तो में कुछ एल्गी इवन यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होंगे कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाएंगे, सिंगल सिंगल होंगे आपस में मिलके रहेंगे, कुछ फिलामेंट के फॉर्म में पाए जाएंगे। वहीं पे हम लोग अगर एंजियोस्पर्म को देखें, इतने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं बाहर, ये सब क्या है एंजियोस्पर्म के अंदर आएंगे, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, पर ये सारे प्लांट के अंदर आते हैं जो हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, एल्गी उस वो भी प्लांट के अंदर आता है, और ये बड़े बड़े पेड़ जो आम जामुन महुआ जो भी है वो भी हमारे प्लांट के अंदर ही आते हैं, सब किसके अंदर आते हैं प्लांट के अंदर आते हैं, प्लांट क्या है बहुत बड़ा है, और ये एल्गी वेल्गी उसका मत समझ, 50% जो तुम्हारा 50% जो क्या बोलते हैं तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन करता है, ये एल्गी करती है, तो इसलिए एल्गी को हल्के में ले लेंगे, मेन प्लांट है ये, बाकी ये सब तो बस देखने के लिए है, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा हमको खाने कहाँ से मिलेगा, तो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज अमाउंट में पाया जाता है, तो ऐसे हम लोग प्लांट बोलते तो दिमाग में हमारे क्या आता है आम का पेड़ यही तो आता है जनरली, और क्या आता है मेरे तो यही आता है, तुम्हारे कुछ अलग आता है, एल्गी आता है, कौन सा एल्गी आता है जनरली क्या आता है हम लोग के दिमाग में, कोई प्लांट बोलेंगे तो महुआ बरगद यही सब आएगा, आम लीची यही सब आएगा ना, जो खाते हैं हम लोग जो पसंद होगा वो आ जाएगा तुरंत दिमाग में पेड़, नीम वीम या फिर अगल बगल जो, एल्गी किसी के दिमाग में नहीं आएगा, ब्रायोफाइटा कभी आया सोचा कैसा होता है, कभी देखा है ब्रायोफाइटा, कभी देखा है मॉस लीवर वर्ड्स कभी देखा है, देखा सब कोई होगा, पहचानते नहीं है तो क्या जाने क्या है, देखा तो सब कोई होगा, टेरिडोफाइटा सब ने देखा होगा, अरे बाथरूम वाथरूम के पास देखते हो जहाँ मतलब खुला कहीं रहे पानी वानी का सोर्स रहे वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स उगाते हैं सब, जनरली या तो वो तुम्हारे टेरिडोफाइटा के होते हैं या तो ब्रायोफाइटा, कई बार देखो कि बाथरूम होती है खिड़कियाँ होती हैं पानी टपकता है, हॉस्टल वॉस्टल में अक्सर देखने को मिल जाएगा जो हॉस्टल में रहे होंगे, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारे बाथरूम साथ में होते हैं और टूटे फूटे ही होते हैं सरकारी है तो तुमको मॉसेज और ये सब आराम से दिख जाएंगे खिड़कियों पर ग्रो करते हो टेरिडोफाइटा वगैरह, तो वो भी प्लांट जैसे होते सबका स्ट्रक्चर लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, बस हम ये अभी दिखाना चाह रहे हैं कि प्लांट की डाइवर्सिटी बहुत है, हम लोग जितना सोचते हैं उतना ही नहीं प्लांट है, प्लांट बहुत ज़्यादा है, एल्गी से लेके तुम्हारा एंजियोस्पर्म तक है, जिम्नोस्पर्म तो देखा होगा, पहाड़ वहाड़ घूमने गए हो तुम लोग कभी, पहाड़ों पे पेड़ जो होते हैं अक्सर जिम्नोस्पर्म के होते हैं जो जिसकी सीड जो होती है नेकेड होती है,
ऐसे वो स्ट्रक्चर इस टाइप का कुछ होता है, ऐसा हम लोग भी उठा उठा के ले आते हैं सजाने के लिए घरों में अपने, हम उतना सुंदर नहीं बना पा रहे हैं पर वो होता है, हम लोग ब्यूटिफिकेशन के लिए लाते हैं वो, अगर जिस पेड़ से गिरे मतलब वो जिम्नोस्पर्म का पेड़ है ऐसे ही, क्योंकि उसमें जो सीड होती है वो बाहर की तरफ होती है, जिम्नोस्पर्म का यही डिफरेंस है। ऐसे टेरिडोफाइटा भी देखे होंगे हम लोग, सब लोग देखेंगे, चलो एक एक करके देखेंगे कैसे क्या होता है। एल्गी से स्टार्ट करते हैं, हिंदी में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना, बता देना, सही करवा देना मेरा, ठीक है। तो एल्गी का अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि एल्गी बेसिकली एक चीज़ कंसेप्ट जानना है, प्लांट किंगडम पढ़ना है तो उनको दो तीन कंसेप्ट याद रखना है, रट लेना है, इसको भूल गए नहीं समझ में आया प्लांट। एक वर्ड होता है गैमेटोफाइट, दूसरा वर्ड होता है स्पोरोफाइट, हिंदी में इसको तो स्पोरोफाइट ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं युग्मज करके कुछ बोलते हैं, युग्मज करके ऐसे कुछ बोलते हैं वर्ड, एक दिन मैं देख के बता बोल दूंगा, अभी कन्फ्यूज गलत बताऊंगा तो क्या मतलब है। क्या बात कर रहे थे, अच्छा गैमेटोफाइट का ना हम भूल गए, इसमें सोचते थे कोच क्या बात है, युग्म को बड़ा कठिन नाम है यार इंग्लिश हिंदी में लिख देते हैं। इस जीवन में तो हमें नहीं याद होने से रहा, ठीक है ये दो वर्ड हमको याद रखने हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, जहाँ भी गैमेटोफाइट आएगा हमको याद रखना है ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, एन फॉर्म में रहेगा, और जहाँ स्पोरोफाइट आएगा ये किस फॉर्म में रहेगा, टू एन फॉर्म में रहेगा, मतलब ये डिप्लॉइड रहेगा हमेशा और ये एप्लॉइड रहेगा, मतलब अघूरी रहेगा और ये द्विगुणी रहेगा, ठीक है। अघूरी मतलब जो गैमेटोफाइट या युग्मक जो भी है ये हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा एन फॉर्म में रहेगा, हैप्लॉइड फॉर्म में रहेगा, मतलब ये बता देते ना कि हमेशा ऐसे क्रोमोसोम होता है हमेशा दो फॉर्म में पाया जाता है, सब पता है ना दो लेयर्स होती है, हैप्लॉइड में सिर्फ एक लेयर पाई जाती है, डिप्लॉइड में ये दोनों लेयर पाई जाती है, यही डिफरेंस होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में, ठीक। तो ये हमेशा जो गैमेटोफाइट रहेगा वो कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, और जो स्पोरोफाइट रहेगा हमेशा डिप्लॉइड रहेगा, स्पोरोफाइट में हमेशा क्या होगा मियोसिस होगा, हमेशा क्या होगा मियोसिस होगा, और गैमेटोफाइट में हमेशा माइटोसिस होगा, तो भाई यन है अगर ये एन ही डिवाइड करके हमको पता है ना मियोसिस में क्या होता है, जो भी अमाउंट होता है जेनेटिक मटेरियल का वो आधा हो जाता है, तो एन अगर एन बाई टू तो होना नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, हमेशा यहाँ पे क्या होगा माइटोसिस होगा, इसमें अमाउंट सेम रहता है, मियोसिस में क्या होता है हमेशा हाफ रहता है, टू एन एन में चेंज होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना, ये कंसेप्ट याद नहीं रहेगा तो पूरा आगे और कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो इतना याद रखना गैमेटोफाइट हमेशा कैसा रहेगा एन में रहेगा, और स्पोरोफाइट क्या होगा टू एन फॉर्म में रहेगा,
ये इसके जैसे गैमेटोफाइट में हमेशा माइटोसिस होगी और स्पोरोफाइट में हमेशा मियोसिस होगी जब भी हमको गैमेट बनाना है या स्पोर बनाना है तो। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है गैमेट, गैमेटोफाइट। फाइट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, मतलब बनाने वाला। गैमेट बनाने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट, फाइट का मतलब बनाने वाला। स्पोर बनाने वाले क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। तो अगर मुझे स्पोरोफाइट क्या होता है तो स्पोर बनाता है, गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेट बनाता है। गैमेट बनाने के लिए वो क्या करता है? माइटोसिस करता है। स्पोरोफाइट क्या करेगा? मियोसिस करेगा। अरे सिंपल है, ये 2n है तो मियोसिस करेगा तभी घटेगा, ये n ही है तो ये क्या करेगा? अब आधा और आधा वैसे ही है और कितना आधा होगा। ठीक है, तो इतना ये चीज़ हमेशा याद रखना, इसको रट लेना है। नहीं समझ में आ रहा है रट लेना है, आगे चलते चलते समझ में आ जाएगा, बट अभी फिलहाल क्या करना है? रट लेना है। तभी कोई भी साइकिल तुम लोग पढ़ेंगे तो होगा। अब देखो इसमें कोई भी प्लांट है, एल्गी है या फिर तुम्हारा जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, हमेशा इसमें एक काम होगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट में चेंज होगा और गैमेटोफाइट हमेशा स्पोरोफाइट में चेंज होगा, यही साइकिल बनेगी हमेशा। एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म, हर केस में सेम साइकिल होगा। स्पोरोफाइट है यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस होगा। और ये गैमेटोफाइट है यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस होगा। मियोसिस माइटोसिस में डिफरेंस समझ में सबको आ रहा है ना? ठीक, ये प्रोसेस याद करना कि ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी, कंटिन्यूस सब में चलेगी। ठीक है, अब देखो हम लोग एल्गी का देखते हैं, एल्गी में कैसे लाइफ साइकिल होती है। एल्गी की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है प्लांटिक लाइफ साइकिल। क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा जब हम पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे। प्लांटिक लाइफ साइकिल जो एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है, ये दोनों हमेशा इनकी जो बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट फॉर्म में रहती है, मतलब एन फॉर्म में रहती है, बेसिकली सिंपल जन हैप्लॉइड फॉर्म में रहती है। ठीक है, जो इनकी बॉडी होती है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब जैसे अगर हम लोग अपना सेल निकाले, हम लोग का सेल कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? डिप्लॉइड होगा, सिंपल है। हम लोग की बॉडी है, हम लोग के जो भी जितने भी तुम्हारे इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है उनमें डिप्लॉइड सेल ही पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे एल्गी के केस में और ब्रायोफाइटा के केस में ये हमेशा इनकी जो बॉडी होगी, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, अगुड़ी होगा। तीसरा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीनों क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे, टू एन। इतना क्लियर हुआ? याद करना है तो चीज़, इसमें समझना है नहीं, इसमें याद करना है। एल्गी ब्रायोफाइटा हमेशा कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। शुरू है ना, स्टार्टिंग है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है ना, शुरू में ऐसे रहे होंगे, धीरे धीरे इवॉल्व होंगे, एंजियोस्पर्म बने होंगे, तो जैसे जैसे इवॉल्व होंगे वो डिप्लॉइड होते जाएंगे, शुरू में हैप्लॉइड रहे होंगे। क्रिप्टोगैम्स
इनको बोलते हैं, इन दोनों को हायर प्लांट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इन तीनों को एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेट्रोफाइटा, इन तीनों को हम बोलते हैं लोअर प्लांट या फिर क्रिप्टोगैम्स। जब स्टडी ऑफ, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि स्टडी ऑफ क्रिप्टोगैम्स में किसको कहते हैं, तो उसमें क्या कहता है, एल्गी आता है, ब्रायो आता है, टेरिडो आता है। याद रखना पंजाई में पूछा ना, इसमें पंजाई प्लांट का पार्ट नहीं है, याद रहेगा ना। बहुत लोग आते थे प्लांट में पंजाई, याद कन्फ्यूजन में, पंजाई प्लांट है ही नहीं, क्यों नहीं प्लांट है, रीज़न होगा ना कुछ, नहीं है प्लांट, कोई रीज़न नहीं है, मन नहीं कर रहा था उसको प्लांट में जाने का, है यही रीज़न है। क्या रीज़न है, पंजाई को प्लांट में नहीं रखते हैं, अरे सेल वॉल तो उसमें भी होता है, तो रख देना चाहिए इसमें। क्या नहीं करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। प्लांट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए, और पंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। चलो ठीक है, यहाँ पर एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिप्टोगैम्स या फिर लोअर प्लांट। क्यों बोलते हैं क्रिप्टोगैम या लोअर प्लांट, रीज़न होगा, नाम सुना तुम लोग मिलता, जाइलम एंड फ्लोएम, नाम सुना है कभी, क्लास सिक्स से सुनते आ रहे हो नाम इनका, जाइलम और फ्लोएम का नाम। क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, वाटर कौन ले जाता है, फूड कौन ले जाता है, तुम ये तो जानना चाहते हैं। फ्लोएम क्या ले जाता है, फ्लोएम वाटर ले जाता है, और गलत उल्टा बोल रही, फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड ले जाता है, फ्लोएम फॉर से, फ्लोएम फॉर से फूड, याद रखो इसी तरह से। जाइलम ये वाटर और मिनरल्स ले जाता है। देखो क्या होता है कि जड़ जो रूट्स होती हैं प्लांट की, उनका काम क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स ग्राउंड से, सॉइल से निकालती हैं और लीव्स तक पहुंचाती हैं। लीव्स खाना बनाता है, खाना बनाने को फ्लोएम के थ्रू सारे प्लांट, जितना भी ट्री के जितने भी पार्ट होंगे, सबके पास खाना पहुंचाता है। तो जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है, जाइलम वाटर और मिनरल ले जाता है, फ्लोएम फूड ले जाता है, फूड ट्रांसपोर्ट, और इसको बोलेंगे वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो देखो ये जाइलम और फ्लोएम जहाँ प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे हायर प्लांट या फेनेरोगैम्स, जहाँ एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे लोअर प्लांट या फिर क्रिप्टोगैम्स। नहीं समझ में आया, क्रिप्टोगैम्स में जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट, यहाँ पे जाइलम जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है उनको हम लोग फेनेरोगैम्स बोलते हैं, और जहाँ पे एब्सेंट होता है उनको हम लोग क्रिप्टोगैम्स या फिर लोअर प्लांट बोलते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट होता है उनको हायर प्लांट या फिर फेनेरोगैम्स बोलते हैं। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि तुम्हारा एल्गी में जाइलम नहीं पाया जाता, फ्लोएम नहीं पाया जाता, ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है जाइलम फ्लोएम, और टेरिडोफाइटा में जाइलम का नहीं पाया जाता है, बल्कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ ना, इसके आगे बढ़ा जाए, नहीं क्लियर तो फिर से पूछो, जो चीज़ नहीं क्लियर होता कई बार क्वेश्चन पूछ देगा, क्या फेनेरोगैम्स होता है, क्या क्रिप्टोगैम्स होता है, क्रिप्टोगैम्स में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है नहीं पाया जाता है। ये टेरिडोफाइटा है ना, यहाँ से धीरे धीरे जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस स्टार्ट हो जाती है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो ट्रू जाइलम और ट्रू फ्लोएम नहीं होता, मतलब असली वाला जाइलम फ्लोएम नहीं होता, उसकी तरह बनना शुरू हो जाता है, और रियल जाइलम फ्लोएम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है, यहाँ पे स्यूडो जाइलम या स्यूडो फ्लोएम का प्रेजेंस पाया जाता है। अभी जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता चलेगा कि क्यों उसको जाइलम फ्लोएम नहीं बोलते हैं, क्यों उसको स्यूडो बोलते हैं। सीव ट्यूब हम लोग पढ़ रहे थे सीव ट्यूब के बारे में पढ़ा था, नाम याद ही नहीं होगा। अच्छा तो वहीं पर देखेंगे सीव ट्यूब में क्या नहीं होता है, कौन सा सेल ऑर्गेन्स नहीं होता है सीव ट्यूब में, कोई नहीं होता है, सही बोल रहे हो, कोई नहीं होता है,
चलो अब हम आते हैं एलगी के लाइफ साइकिल में। पंद्रह मिनट से कोशिश कर रहे हैं एलगी के लाइफ साइकिल के आने पर आ नहीं पा रहे बीच बीच में। एलगी में क्या होता है जो उसकी बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है एन टाइप की होती है। ठीक जो भी एलगी देखेंगे हम लोग वो कैसी होगी गैमेटोफाइट नेचर की होगी एन टाइप की होगी। तो इसमें क्या होगा अब देखो ये जब भी गैमेटोफाइट बनेगा तो हमेशा दो कंडीशन में रहेगा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा हमेशा गैमेटोफाइट हमेशा मेल या फीमेल होगा। इसमें भी एक गैमेटोफाइट जो होगा वो फीमेल होगा और दूसरा जो गैमेटोफाइट होगा वो मेल होगा। मेल और फीमेल का इसी से जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सिंबल्स होते हैं मेल को शो करने के लिए और ये फीमेल को शो करने के लिए ये सिंबल्स होते हैं। अभी से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आगे याद आ जाएगा। अब देखो ये जो गैमेटोफाइट होता है इनका इसका काम क्या होता है गैमेट बनाना काम होता है। कैसे गैमेट बनाएगा माइटोसिस के थ्रू। तो ये जो मेल है तो मेल गैमेट बनाएगा ठीक है और ये फीमेल है तो ये ये दोनों प्रेजेंट होते हैं पानी में। ब्रायोफाइटा क्या होता है पानी में होता है एलगी भी पानी में होता है और टेरिडोफाइटा भी पानी का प्रेजेंट मतलब तीनों को पानी का प्रेजेंट चाहिए होता है एलगी हो ब्रायोफाइटा हो या फिर टेरिडोफाइटा। इवन ब्रायोफाइटा को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम सुना है एम्फीबियंस मेढक देखा मेढक मेढक नहीं देखा वो कहाँ घूमता है पानी में जमीन पर भी घूमता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उभयचर उसको हिंदी में इंग्लिश में एम्फीबियंस बोलते हैं। उभयचर को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एम्फीबियंस। तो ये जो प्लांट किंगडम का ये पादप जगत का जो उभयचर है या फिर एम्फीबियन है वो कौन है ब्रायोफाइटा होता है तो वो भी दोनों जगह पाया जाता है। ऐसे ये एलगी बेसिकली हमेशा वाटर में ही पाया जाता है। अब क्या होगा जो मेल गैमेट होगा ये सब मेल गैमेट होगा कुछ इसके पास यहाँ पे फीमेल गैमेट होगा ये दोनों पानी मेल गैमेट क्या होगा ये वहीं प्रेजेंट होगा फीमेल गैमेट जहाँ है वहीं रहेगा। मेल गैमेट पानी से फ्लो होते हुए इसके पास पहुँच जाएगा ठीक है और ये दोनों पास पहुँचेंगे तो इनके बीच में क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में निषेचन निषेचन से निषेचन हो जाएगा। तो ये एन है ये भी एन है दोनों मिलेंगे फिर बनाएंगे क्या जायगोट या युग्मज जायगोट या युग्मज बनाएंगे एन और एन मिलकर क्या हो जाएगा टू एन हो जाएगा ठीक। ये टू एन जैसे हुआ ये कैसे कंडीशन आ गई स्पोरोफाइट बन गया था क्या चीज ये दोबारा गैमेटोफाइट इसका काम ही हमको पता ना हम लोग को देख रहे हैं ना गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में चेंज होगा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट ये साइकिल चलती रहेगी। तो यही यहाँ पे भी हो रहा है पहले क्या था दो गैमेटोफाइट थे एक मेल गैमेटोफाइट एक फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट ने गैमेट बनाया मेल गैमेट और फीमेल गैमेटोफाइट ने फीमेल गैमेट बनाया दोनों पानी के अंदर है। अब मेल गैमेट क्या हुआ पानी के साथ बहाव फ्लो हुआ पानी के साथ बहते हुए किसके पास पहुंचा फीमेल गैमेट के पास वहां पे दोनों के बीच में क्या हुआ फर्टिलाइजेशन या निषेचन हुआ। जैसे निषेचन हुआ तो ये एन और एन दोनों आपस में जुड़ के टू एन बन गए और ये किसको क्या बोल दिया जायगोट या फिर युग्मज बोल दिए ठीक। ये इकलौती स्टेज होती है जो स्पोरोफाइट के फॉर्म में होती है एलगी के केस में। एलगी केस में ये सिंगल होती है ये टोटली डिपेंडेंट होती है किस पे गैमेटोफाइट पे। ये गैमेटोफाइट जो प्लांट होता है उसी पे डिपेंडेंट होती है अपना फूड न्यूट्रिशन सब कुछ किससे लेती है जो गैमेटोफाइट प्लांट होता है। फिर ये जायगोट क्या बनेगा स्पोर बन जाएगा
जाइगोट है यानी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का काम क्या होता है? स्पोर बनाना। स्पोर कैसे बनाएगा? निषेचन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन दोनों जुड़ गए। अब इसको क्या बनाना? स्पोर बनाने। स्पोर कैसे बनाएगा? मियोसिस हो गया। क्यों यहाँ पर टू एन है ना भाई, और हमको एन में कन्वर्ट करना है, स्पोर हमेशा एन होता है, ये ध्यान देना। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? मियोसिस हो गया, मियोसिस हुआ, स्पोर बने। ये स्पोर फिर से जर्मिनेट करके या तो मेल गैमेट बना दिया या तो फीमेल गैमेट बना दिया। यही तुम्हारी साइकिल है किसकी? एल्गी की। ठीक है, समझ में? सिंपल सी साइकिल है एल्गी की। दो दो कंडीशन है, एक में गैमेटोफाइट, एक में स्पोरोफाइट। यही याद रखना है हमको। हमको तीन चीज़ें याद रखनी है, कोई भी साइकिल पढ़ेंगे तीन चीज़ें याद रखनी है कि उसमें उसका प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है। एल्गी के प्लांट बॉडी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, मतलब गैमेटोफाइट होता है। सिंपल, ये पहली कंडीशन। जब गैमेटोफाइट है तो वो क्या करेगा? हैप्लॉइड है तो वो क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करके गैमेट बनाएगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने पर जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट फिर से स्पोर में चेंज होगा, और फिर वो जर्मिनेट करके तो लिख देते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेट करके हमारा मेल गैमेटोफाइट इधर फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? किताब में फर्टिलाइजेशन एंड निषेचन को सिंगैमी भी लिखा जाता है, तो सिंगैमी भी बोलते हैं। इसी फर्टिलाइजेशन को ही सिंगैमी भी बोलते हैं, निषेचन को ही सिंगैमी भी बोलते हैं। सिंगैमी मतलब आपस में जुड़ना होता है, तो दो जुड़ रहे हैं ना आपस में, यहाँ पे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में जुड़े हैं, तो इसको सिंगैमी कहते हैं। तो कई जगह फर्टिलाइजेशन की जगह पे सिंगैमी लिखा होगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना। और नीट में बहुत ही इसका उसी से फर्टिलाइजेशन नहीं लिखता, सिंगैमी लिखता है, की आदत है, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक, इतना ही समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ पे सब कुछ? इस टाइप की लाइफ साइकिल को हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। क्यों हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2N मतलब डिप्लॉइड कंडीशन सिर्फ एक बार हो रही है, जब ये जाइगोट बन रहा है तभी तो हो रही है, उसके अलावा कभी हो नहीं रही है। मतलब पूरी लाइफ साइकिल कैसी है? हैप्लॉइड है, सिर्फ एक स्पोर की, जब स्पोरोफाइट बनता है मतलब जाइगोट बन रहा है, सिंगल कंडीशन वो भी थोड़े देर के लिए, वो भी क्या है? खुद पे नहीं, किसी अपना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, वो भी किस पे डिपेंडेंट है? जो तुम्हारा गैमेटोफाइट है, खाना वाना जाइगोट बनने के लिए जो खाना वाना ले रहा है न्यूट्रिशन, वो किससे ले रहा है? ये फीमेल के ऊपर ही हो रहा है, ग्रो करता है, तो इसी से लेता है। तो सिंपल ऐसी लाइफ साइकिल को हम लोग बोल देंगे हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें क्या है? हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन है, एक कंडीशन के अलावा सारे जगह पर क्या है? हैप्लॉइड है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्लियर हुआ इतना? मिटा दें? नहीं समझ में आया? अब दूसरा है, हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ब्रायोफाइट। इसमें भी हम लोग को कुछ वैसा ही करना है। हमको पता है ब्रायोफाइट की जो प्लांट का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। मतलब कि हम लोग को स्टार्ट है ना, जहाँ एम्प्लॉयड है वहाँ पर हमको समझना है गैमेटोफाइट से बात स्टार्ट करेंगे हम। गैमेटोफाइट है, कैसा गैमेटोफाइट होगा? एक होगा तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट और दूसरा कैसा होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। केस में तो दो नाम और याद करने पड़ेंगे, एक नाम आर्चिगोनिया, दूसरा एंथ्रीडिया। ठीक है, फीमेल होता है इसमें आर्चिगोनिया बनता है,
and 3 table. बेसिकली स्ट्रक्चर है जिसमें से गैमेट निकलता है, ठीक है। अब हम लोग प्लांट देखेंगे, प्लांट का फ्लावर देखेंगे तो उसमें भी तो स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं ना, ओवरी होती है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ऐसे ही यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मेल में एंथ्रीडिया और फीमेल में आर्चिगोनियम पाया जाता है, वहीं पर जाएगा हमारा गैमेट बनेगा। तो यहाँ पे इससे क्या बनेगा, मेल गैमेट बन गया, कैसे, माइटोसिस के थ्रू, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, वैसे आर्चिगोनियम के अंदर क्या बन गया तुम्हारा, फीमेल गैमेट बन गया। सब ये मतलब मेल गैमेट बन गया, मतलब फीमेल, ये भी पानी में होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो वाटर सब फ्लो करके फीमेल गैमेट के पास आ जाता है, ठीक। फीमेल गैमेट के पास आ गए, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये एन था फर्टिलाइजेशन या फिस्टिंग के बाद क्या बना है, जाइगोट। जाइगोट कैसा हुआ, टू एन हुआ, ये भी कैसा कंडीशन है, स्पोरोफाइट कंडीशन है। यहाँ तक तो सेम है, वही जो एल्गी में हो रहा था। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसमें जाइगोट वहाँ क्या था, जाइगोट हमेशा यूनिसेलुलर था एल्गी में ना, एक ही था वो बनाते रहते स्पोर, यहाँ पे जो जाइगोट होगा वो माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर हो जाएगा। जाइगोट ग्रो करेगा, ठीक है। अब ये क्या सिंगल जाइगोट था, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा आर्चिगोनियम है, यहाँ पे जाइगोट क्या हुआ, डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं कैप्सूल, नीचे वाले बोलते हैं फूट, बीच वाले को सीट का, ठीक। अब उन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, वहां पे क्या था, एक जाइगोट था वही जाइगोट स्पोर में चेंज हो जा रहा था, यहाँ पे जाइगोट एक बलून जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, इसके तीन पार्ट होते हैं, कैप्सूल, सीटा और फूट बोलते हैं। ये जाइगोट है, यही क्या हुआ, डिवाइड करके, कैसा डिवीजन, माइटोसिस हुआ, मतलब कि 2n है तो 2n ही रहा है यहाँ पे। फिर ये इनके में क्या होगा, जो इनके सेल्स होंगे, सेल्स यहाँ पे दो दिन कैसे, इन सेल्स में क्या होगा, माइटोसिस हो जाएगा और ढेर सारे यहाँ पे इसके बीच में स्पोर्स बन जाएंगे, उसके अंदर ढेर सारे स्पोर्स बन जाएंगे। ये स्पोर्स कैसे होंगे, माइटोसिस के थ्रू बने हैं, एन होंगे, ठीक, सही है ना। अब ये स्पोर्ट्स, ये ब्रस्ट होगा फटेगा, ये स्पोर्ट्स बाहर आएंगे, ये बाहर आगे जर्मिनेट करेंगे, या तो फिर मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट बना सकते। क्लियर हुआ, नहीं हुआ फिर से एक बार देख लो, अगर नहीं क्लियर हुआ तो पहले उतार लो, कॉपी बनाया करो, फोटो खींचोगे तो कुछ नहीं याद होगा, फिर क्या बनाया, देखिए बनाया उतना खराब हो जाएगा, हर जाएगा, दो बार बना तो क्या हो जाएगा, दो बार बना ज़्यादा सर्विस होगा, दो बार सब क्या रफ ले आया करो, रफ बनाया करो, फोटो भी खींच लिया करो, रफ भी बना लिया करो, मेरी कमी निकाल दिए तुम, पूछो क्या नहीं समझ में आ रहा वो पूछ लो, छोटा लिखे हैं तो चश्मा लगा कर दो, आँख का जांच करा, ये देखो ये आर्चिगोनियम है, अभी क्या होगा, मेल गेम है, यहाँ पे आया हो, ऐसे स्ट्रक्चर रहा होगा, यहाँ पे ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा, ये गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, इसके ऊपर आर्चिगोनियम कुछ इस तरह का बना होगा, ठीक है। इसी पे तुम्हारा फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, यहाँ पे मेल गैमेट आया होगा, ठीक, ये दोनों मतलब अब इसी के ऊपर ये दोनों जो है जाइगोट का फॉर्मेशन किए होंगे, और इसी के ऊपर जाइगोट जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया होगा, समझ में, यस सर, तुम लोगों को समझ में आ गया था पहले,
पूछा करो जो नहीं समझ में आ रहा है। मौन धारण कर लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। नेक्स्ट है हम लोग का बायो फाइटा हो गया, उसके बाद टेरिडो फाइटा का। ऐसे जो ये लोग शो करते हैं, मतलब ब्रायोफाइटा जो शो करता है उसको, उस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वहाँ पे क्या बोलते हैं एल्गी केस में, कैसा लाइफ साइकिल था? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल था, क्योंकि वहाँ पे सेल जो थी, जो उसकी बॉडी थी, हैप्लॉइड फॉर्म में थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैप्लॉइड में भी है और डिप्लॉइड में भी है। अच्छा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो डिप्लॉइड वाला फेज है, ये तुम्हारे हैप्लॉइड वाले फेज से ही डिपेंडेंट है। फूड किससे ले रहा है? आर्किगोनियम से ले रहा है ना, तो ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है वाला कंडीशन। तो फूड अपना किससे ले रहा है? ये हैप्लॉइड से ले रहा है, इसलिए ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब इसमें हैप्लॉइड कंडीशन भी है, डिप्लॉइड कंडीशन भी है, और ये पाया जाता है ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। एल्गी में हैप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अभी उसको पहुँचेंगे। मतलब दो और लाइफ साइकिल हम लोग को देखनी है, एक टेरिडोफाइटा की और जिम्नो और एंजियो की सेम होती है, तो एक वो देख लेंगे तो दो काम हो जाएगा। हो गया मिटा दे। यहाँ पे भी गैमेटो फाइट होगा एंड टाइप का होगा, सिंपल इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, छोटे छोटे इसमें रूट जैसे स्ट्रक्चर होंगे, पर रूट रूट नहीं होता है यहाँ पर, राइजॉइड बोलते हैं। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बताएंगे, बस अभी एक यहाँ पे फीमेल गैमेटो फाइट होगा, यहाँ पे मेल गैमेटो फाइट होगा। मेल गैमेटोफाइट क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, ये भी क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। ये क्या बनाएगा? मेल गैमेट, और ये क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। इसमें भी आर्किगोनी और एंथ्रीडिया पाई जाती है, याद देखो। तो ये दोनों क्या होंगे, ये इनको भी रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, तो ये भी मेल गैमेट वाटर के थ्रू इसमें फ्लो होके फीमेल गैमेट के पास आएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा?
फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगेमी होगी, हाँ तीनों को वाटर की जरूरत होती है अपना रिप्रोडक्शन के लिए। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, यहाँ पे भी जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होगा, पुलेन होगा, मतलब स्पोरोफाइट होगा। यहाँ तक सेम कहानी चलती है, सेम कहानी। तो जैसे स्ट्रक्चर हो गया होगा, ठीक। अब देखो जाइगोट क्या होगा, धीरे धीरे जाइगोट डिवाइड करेगा। जाइगोट में होगा माइटोसिस, यही जाइगोट डिवाइड करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। तो जो ये हम लोग प्लांट देखेंगे ब्रायोफाइटा में और एल्गी में, हम लोग जो देखते थे अपनी आंखों से, वो कैसा होता था, हैप्लॉइड होता था, ठीक है। यहाँ पे हैप्लॉइड नहीं होगा, यहाँ पे डिप्लॉइड होगा, यहाँ पे डिप्लॉइड होगा। ये कैसे होंगे, जो स्पोरोफिटिक होंगे, ये हमको प्लांट दिखेंगे वो कैसे होंगे, स्पोरोफिटिक होंगे। ऐसे प्लांट हमको यहाँ पे दिख जाएंगे। मतलब इसकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। उन केस में कैसी होती थी, हैप्लॉइड होती थी, यहाँ पे डिप्लॉइड हो रही है, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। अब इससे कुछ लीव्स होंगी, हम एक और लीव बना देते हैं। इसकी स्पेसिफिक लीव्स होते हैं, कुछ लीव्स डेवलप कर जाती है और उनका जो लीफ होता है, लीफ के जस्ट नीचे, जैसे लीफ का दो पार्ट होगा, लीफ के जो नीचे वाला पार्ट होगा वहाँ पे स्पोर्स बनेंगे। क्या है स्पोर, ऐसे लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। ये नॉर्मल लीफ है, नॉर्मल लीफ में कुछ नहीं रहा, नॉर्मल लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना। कुछ लीफ में मॉडिफिकेशन होगा और वो स्पोर बनाएंगे, और ऐसे को हम बोलेंगे स्पोरोफिल। अब यही स्पोरोफिल से स्पोर रिलीज होंगे, यही स्पोर जाके मेन गैमेट। धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो किस तरह का एग्जांपल हो गया ये, फाइलोजेनेटिक क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है कि नहीं है। एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियो, ये भी फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। विकास, विकासवादी वर्गीकरण, ये तो याद हो जाएगा, तुम लोग भूलेगा नहीं, नहीं भूल जाएगा। एक दो बार घर पे जाके बना लोगे ना तो नहीं भूलेगा, अगर यही छोड़ दिए तो भूल जाएगा। हम लोग 11वीं क्लास में एक टीचर पढ़ाए थे, आज तक नहीं भूला, वो एक ही बार पढ़ाया था, उसको दोबारा कभी नहीं देखे, सच बता रहा। सर पढ़ाए थे सिंपल सा, ऐसे ही पढ़ाए थे, लेकिन अब आज तक नहीं याद, मतलब भूला नहीं है, याद है आज तक। ऐसे सिंपल पढ़ाया, मतलब इतना सिंपल है, हम लोग एक दो बार जाकर रूम पे देख लिए होंगे, बस हो गया भैया, नहीं देखिए एक दो बार बस जाकर रूम पे देखना है। हो गया, ये अच्छा ये लिखे नहीं है किसका है,
लाइफ साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवन चक्र बोलते हैं ना। पूरा स्ट्रक्चर समझ गया पूछ लो किसका बनाया है, पूरा स्ट्रक्चर समझ गए पहले नहीं पूछे पूछ लो तुम ह्यूमन स्पर्म का बनाया तो क्या समझ रहे थे। लाइफ साइकिल में दोनों को इक्वल इक्वल टाइम मिला हुआ है, बाकी हम देख रहे थे उसमें एल्गी केस में स्पोर जब जाइगोट बन रहा है वही एक एक कंडीशन बन रही है, इसमें देखो ये पूरी कंडीशन मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन रहा है, गैमेट हो रही है यहाँ तक इतना पूरा क्या है एन है और ये दो क्या है टू एन है, तो दोनों कंडीशन बन रही है ना, तो इसलिए इसको हैप्लो डिप्लोंटिक बोल रहा है। अब आएंगे अपन डिप्लोंटिक पे, कहाँ फिनिश हो गया भाई, ये तो स्टार्टिंग बढ़ता रहा है तुम्हें, पहला शुरुआत बढ़ा लाइफ साइकिल, अभी एलगी का तो हमको क्लासिफिकेशन देखना है, एलगी के कैरेक्टर्स देखना है, तो पूरा बचा ही है अभी कम से कम चार पाँच क्लास इस हफ्ते में। ठीक है, हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं किसकी, एंजियोस्पर्म की और जिम्नोस्पर्म की, इसका नेचर कैसा होता है, ये डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। देखो इसमें क्या होता है, ये जो ट्री होगी कैसी है डिप्लॉइड, ये कैसी है डिप्लॉइड। हम लोग एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म जो भी हम प्लांट आसपास देख रहे हैं सारे एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म को मान लो ये ट्री ले लिए, आम का एक पेड़ ले लिए, मैंगो ट्री, इसका अगर हम लोग देखेंगे लीव्स देखेंगे या फिर स्टेम देखेंगे सबको देखेंगे, तो उसके सेल को देखते हैं तो सेल में जो कैसी कंडीशन होती है डिप्लॉइड कंडीशन होती है, मतलब क्रोमोसोम जो है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। अब क्या होगा, ये कैसी कंडीशन होगी, मतलब ये स्पोरोफाइट हो गया, आपको पता है जहाँ डिप्लॉयड होगा वो स्पोरोफाइट हो गया कंडीशन, ठीक। अब देखो इसमें एक बना दिए मेल एक दोनों का होते फीमेल, अब मेल में क्या होगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स के बारे में सबने पढ़ा है, पोलन ग्रेन सब लोग जानते हैं, पुंकेसर में क्या होता है पराकण, इसी को पोलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन ही क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्म होता है, ये मेल गैमेट होता है ना, और यहाँ पे फीमेल गैमेट मतलब एक होता है, ठीक है। यस, अब देखो होता क्या है, ये टू एन है उससे एन बनने की जो प्रक्रिया है इसको हम थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे फीमेल के केस में क्या होता है, पहले
मेगा स्कोर मदर मिल पाई। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, फ्लावर सबको पता है, फ्लावर फूल में जब हम लोग फूल को देखेंगे, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो फूल को देख देख के पढ़ेंगे। अभी इतना दिमाग में थोड़ा, फूल तो सब लोगों ने देखा है, फूल के बाहर का पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होते हैं, नीचे सेपल्स होते हैं, होती है ना, बीच में एक देखे होंगे ऐसा गुड़हल का फूल मान लो, अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे ही बनता है। ऐसा ही फूल होता होगा, बीच में कुछ ऐसा होता होगा, ऐसे ऐसा कुछ होगा, ऐसी कंडीशन होगी ना। यहाँ से थोड़े कूलिंग वेव निकलते होंगे, पराग का यहाँ पे जब देखेंगे तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसी के बीच से ऐसे यहाँ से ऐसे निकले होंगे। ये होता है ओवरी, देखा है तोड़ेंगे गुड़हल को तो नीचे एक ऐसा स्वेलन सा स्ट्रक्चर दिखेगा, बेस पे थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर रहेगा, इसी को हम लोग ओवरी बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ इसी ओवरी में एक सेल पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक, ये टू एंड कंडीशन में होती है। इससे क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ पर स्पोर है ना, मतलब ये यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, उन सेल्स से ये मेगा स्पोर सेल बनती है। सिंपल से वो मेगा स्पोर सेल मतलब ये स्पोर बन गया, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, टू एंड कंडीशन है। अब धीरे धीरे इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद एक बन जाएगा। सिंपल बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा हूँ, वो हम लोग जब क्या कहते हैं प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो बताएंगे, बस ये समझने के लिए बता रहे हैं कि कुछ ऐसा होता है मेगा स्पोर मदर सेल होती होगी, उसमें मियोसिस होता होगा तो एग सेल बन जाता होगा। ठीक है, यही एग सेल यहाँ पे ओवरी में प्रेजेंट रहता है, पूरा स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तीन सेल यहाँ पर निकलेंगी, तीन सेल यहाँ पर निकलेंगी, ओव्यूल बोलते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं ओव्यूल को, क्या बोलते हैं हिंदी में, वही बोलते होंगे जो भी बोलते हैं। ठीक है, देख लेना, तो एक बन गया, इतना सिंपल सा एक बन गया, और ये तुम्हारा यहाँ ऐसे ही यहाँ पे यहाँ पोलन ग्रेन कैसे बन रहा है, यहाँ पे माइक्रो स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, माइक्रो स्पोर मदर सेल। फादर सेल मत कर देना यहाँ पे, यहाँ मेगा है, यहाँ पे माइक्रो है। ठीक है, माइक्रो मतलब मेल और मेगा मतलब फीमेल, ये नहीं कि मेल बना रहे हैं तो माइक्रो स्पोर फादर सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करोगे ना, मदर सेल हमेशा रहेगी यहाँ। ठीक, ये क्या बना देगा तुम्हारा, मियोसिस करके फादर सेल है इसमें, नहीं फादर सेल नहीं होती, पोलन ग्रेन बना दिया, ये फीमेल गैमेट हो गया, ये तुम्हारा मेल। क्या हुआ, नीचे वाला फादर सेल वो है ना मेल, मेल गैमेट उल्टा हो गया, सॉरी मतलब हम ये प्रोसेस देख रहे हैं। पहले क्या हुआ यहाँ पे, ये स्पोरोफाइट के फॉर्म में था, स्पोरोफाइट मतलब मेगा स्पोर बनाया, मेगा स्पोर किसे बना दिया, एक सेल बना दिया जो कि तुम्हारा फीमेल गैमेट है, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल था, मतलब ये क्या कहते हैं स्पोरोफाइट है, माइक्रोस्पोर मदर, ये भी तो मेल का है, हाँ मेल का, ये मेल का है, ये फीमेल का है, मेगा जहाँ पे रहेगा वो फीमेल की बात होगी, माइक्रो जहाँ रहेगा वो मेल की बात होगी। क्यों मेगा और माइक्रो करते हैं, माइक्रो मतलब छोटा होता है, मेगा मतलब बड़ा होता है, एक सेल हमेशा क्या मदर सेल तो हमेशा रहेगा भाई, इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना, माता हर जगह इम्पोर्टेंट होती है, हर जगह मदर सेल ही लिखा जाएगा। बायोलॉजी में फादर सेल कहीं नहीं पाओगे, मदर सेल पाओगे, डॉटर सेल पाओगे, सन सेल कहीं नहीं पाओगे।
अभी सुनो, दो सेल्स डिवाइड करके सन सेल बनाती है, नहीं ना हमेशा डॉटर सेल्स बोला जाता है ना वहाँ पे, तो बायो में मदर सेल या डॉटर सेल ही लेके चलते हैं, सन सेल डॉटर सेल नहीं, सॉरी सन सेल और फादर सेल ग्रैंडफादर सेल नहीं बनाते हैं। अब देखो अब इन दोनों से एग और पोलन ग्रेन क्या होगा, आपस में इन दोनों के फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ऐसा ही होता है तुम्हारे एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म दोनों में होता है, समझ में आया कि नहीं? yes. इसमें भी देख रहे हो वही चीज हो रहा है, कहानी वही है, बस इसमें थोड़ा शुरुआत थोड़ा हर जगह हम लोग गैमेटोफाइट से कर रहे थे, यहाँ पे स्पोरोफाइट से कर रहे हैं, यहाँ पे स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट मेगा स्पोर मदर सेल और माइक्रो स्पोर मदर सेल बनाया, ये स्पोर बने, स्पोर का मियोसिस हुआ तो यहाँ पे हमारा एग सेल मतलब इनका मियोसिस और एग सेल बन गए और पोलन सेल पोलन ग्रेन सेल बन गए। ये क्या है, फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट क्या होंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट में क्या होगा तुम्हारा माइटोसिस होगा, माइटोसिस के बाद सीड बनाएगा, सीड क्या बनाएगा, फिर सीड को हम लोग लगा देते हैं तो प्लांट या ट्री जो बनना होता है बन जाता है। हाँ, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले अब जैसे प्लांट में कैसे होता है, मेल गैमेट वहाँ पे तो पानी के हेल्प से पहुँच जा रहा था, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कैसे पहुँच रहा था, पानी में तैर तैर के, यहाँ पे तो पानी है नहीं, यहाँ तो जमीन है, यहाँ पे कैसे पहुँचता है, हाँ यहाँ पे बटरफ्लाई आती है, बटरफ्लाई और कुछ बर्ड्स होती हैं, कुछ ह्यूमन होते हैं, हम लोग भी अमरूद खाए सीड्स नीचे गिरा दिए उससे प्लांट में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कई तरह से जो इसको प्रोसेस है नाम नहीं याद आ रहा कैसे क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनेशन, एग्जैक्टली पॉलिनेशन का प्रोसेस कई टाइप का होता है, जूफिली से होता है मतलब एनिमल के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, हमारे बर्ड्स के थ्रू होता है, ह्यूमन के थ्रू होता है, एनिमल के थ्रू होता है, यहाँ पे कई सारे हमारे वेक्टर्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, कुछ जगह पॉलिनेशन वाटर के थ्रू भी होता है, कसम नहीं खाएंगे कि यहाँ पे वाटर नहीं होगा, यहाँ पे भी वाटर हो सकता है, एक पेड़ है नदी के किनारे पेड़ है, सीड गिरा बह के उस साइड गया मिट्टी पे, वहाँ जाके ग्रो कर गया, तो कौन लेके जा रहा है, वाटर, वाटर ले जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एल्गी के बारे में, अब वो पढ़ेंगे कल, आज के लिए इतना, अरे पूरा साइड हो गया, ठीक है, थैंक यू।